नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। गया के विष्णुपद मंदिर में, जी हाँ, गया के विष्णुपद मंदिर में धूप से चलती है घड़ी। ये घड़ी 164 साल से बता रही है सही समय। ये बहुत पुराना घड़ी है। इस घड़ी की क्या खासियत है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब दुनिया में आधुनिक घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग समय देखने के लिए धूप घड़ियों का प्रयोग करते थे। इन घड़ियों का सबसे अधिक प्रयोग मिस्र की सभ्यताओं में किया जाता था। समय बीतने के साथ घड़ियों का रूप भी बदलता गया। नई नई तकनीक से वैज्ञानिकों के द्वारा घड़ी बनाई जाने लगी, लेकिन इस आधुनिक युग में भी पूर्व में बनी धूप घड़ियों का महत्व कम नहीं हो सका। बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में लगभग 164 वर्ष पहले स्थापित की गई धूप घड़ी आज भी सही समय बताने के साथ साथ लोगों को आकर्षित कर रही है। बताया जाता है कि विष्णुपद मंदिर परिसर में इस धूप घड़ी को 164 वर्ष पूर्व पंडित छोटे लाल भैया के द्वारा स्थापित किया गया था। तब से यह घड़ी लोगों को सही समय बताती आ रही है। उन दिनों भगवान विष्णु को धूप घड़ी से समय देखकर भोग लगाया जाता था। यह अद्भुत धूप घड़ी बिना बैटरी और कांटे के ही समय बताने का काम कर रही है। बता दें कि धूप घड़ी देखने का तरीका होता है, जैसे जैसे आसमान में सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया पश्चिम से पूर्व की तरह चलती है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालती है, जिससे समय और दिन के घंटे का पता चलता है। जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर गोलाकार आकार में एक पाया स्थापित कर पाया के ऊपरी हिस्सा पर मेटल का एक लगा है। इस पर नंबर अंकित है, जो सूर्य की रोशनी के अनुसार समय बताती है। पिछले साल पितृपक्ष मेला के दौरान धूप घड़ी का मेटल टूट गया था, जिस कारण इसने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन विशेषज्ञ कार्यक्रम की मदद से पिछले महीने इसको ठीक कर लिया गया। गया के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में 164 साल पुरानी धूप घड़ी फिर से चलने लगी है। वो अब भी सटीक टाइम बताती है। श्रद्धालु इस घड़ी के प्रति भी अपनी पूरी आस्था रखते हैं। श्रद्धालु ना सिर्फ इसमें समय देखते थे, बल्कि कई लोग इसकी पूजा कर फूल मालाएं चढ़ाते थे। लेकिन अब इसे शीशे में पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधक कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभुलाल बिट्ठल ने बताया कि यहाँ लगी सूर्य घड़ी काफी पुरानी है। यह पंडित छोटेलाल भैया के द्वारा स्थापित किया गया था। उन दिनों घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब यहाँ सूर्य घड़ी स्थापित किया गया था। यह घड़ी बहुत प्राचीन हो सकती है, मगर अभी भी यह सटीक समय बताती है। इस घड़ी पर जब धूप पड़ता है, तब यह समय बताता है। सूर्यास्त के बाद यह काम करना बंद कर देता है। तो ये रही धूप में चलने वाली घड़ी। ये गया के विष्णुपद मंदिर में धूप से चलती है ये घड़ी। 164 साल से सही समय बता रही है। तो आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।